मेरा 8 साल से एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था। कल मेरा हाइड्रोसान्य और एंटी रिफ्लक्स सर्जरी हुआ। सर्जरी के 3 घंटे बाद मैं चलने फिरने लगा, खाना खाया, लिक्विड भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अच्छा हूँ और मैं अभी घर जाने वाला हूँ। मैं अभी ठीक हूँ, एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा है, खाना पीना ठीक चल रहा है। मेरा नाम मधुसूदन भाटी, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा 8 साल से एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था। मैं बहुत उड़ीसा में बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्च किया, डॉक्टर चिराग ठक्कर के बारे में जाना। उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट लिया और उसके पास आया। आने के बाद मेरा 24 आवर पी एच स्टडी और इसोफेजियल मेनोमेट्री का टेस्ट हुआ। इसोफेजियल मेनोमेट्री का 24 आवर एक नली मेरा नाक में डाला, कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने से कोई दिक्कत नहीं, खाने में भी कोई दिक्कत नहीं। और मैं आज भी आया वो नली को खोलने के लिए और मैं फिर बताऊंगा आगे क्या हुआ। मेरा नाम मधुसूदन भाटी, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा पिछले 8 साल से एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम था। चिराग ठक्कर जी ने मेरा पी एच स्टडी और इसोफेजियल मेनोमेट्री का जांच की। उसके बाद मेरा सीवियर जड़ का प्रॉब्लम निकला और उसने सर्जरी की सलाह दी। कल मेरा सर्जरी के लिए एडमिट हुआ था, 2 बजे मेरी सर्जरी हुआ। सर्जरी के 2 घंटे बाद मैं चलने फिरने लगे और खाना पीना भी खाता हूँ, लिक्विड वगैरह लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा प्रॉब्लम अभी ठीक है। मैं चिराग जी को अशेष अशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम मधुसूदन भाटी, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, मेरा 2 दिन पहले सर्जरी हुआ था। सर्जरी के 3 दिन बाद मैं डॉक्टर कंसल्ट के लिए आया हूँ। अभी डॉक्टर को दिखाया हूँ, मेरा कोई तकलीफ नहीं है, मैं चलने फिरने लगता हूँ, खाना भी ठीक से खाता हूँ और मैं आज घर जाने वाला हूँ। मेरा नाम मधुसूदन भाटी है, मैं उड़ीसा से हूँ। December 24, 2022 को मेरा हाइड्रोसान्य का सर्जरी हुआ था। सर्जरी को 6 महीने हो चुका है। मैं अभी ठीक हूँ, एसिड रिफ्लक्स नहीं हो रहा है, खाना पीना ठीक चल रहा है। मेरा एंटासिड दवाई का भी बंद हो चुका है। मैं अभी पूरी तरह ठीक हूँ।